नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRC न्यूज़ में। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। किसान भाइयों, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसमी समीकरणों के आधार पर किन किन जिलों के अंदर बारिश को लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो इस वीडियो में आपको राजस्थान मौसम से जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए, ताकि आपके जिले से जुड़ी अपडेट भी आपको हम जरूर बताएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, बात करें अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अंदर अब धीरे धीरे जो पश्चिमी विक्षोभ से सक्रिय हुआ था, इसका असर अब कम होने लगा है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इसका असर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी जिलों के अंदर कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही मध्य रात्रि तक देखी जा सकती है। बात करते हैं अगले 24 घंटों की, तो अगले 24 घंटों के दौरान विशेष रूप से जयपुर के आसपास के क्षेत्र, दूदू के आसपास के क्षेत्र व अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ टोंक और केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, बूंदी के आसपास के इलाकों के अंदर आज मध्य रात्रि के आसपास बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और आज गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कल एक बार फिर से इन्हीं स्थानों पर गर्मी बढ़ने लगेगी, क्योंकि आगामी 2 दिनों तक कोई बारिश को लेकर संभावना नहीं है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वही दक्षिणी राजस्थान के अंदर उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश को लेकर अभी कोई संभावना नहीं है। वही हम जोधपुर और बालोतरा पाली के आसपास के इलाकों के अंदर भी मध्य रात्रि के आसपास बादल बन सकते हैं, हल्की बारिश की संभावना है, नहीं के बराबर, लेकिन बारिश तो मैं आपको बता रहा हूँ, बारिश तो नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पे बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन कल दोपहर के आसपास, लगभग दोपहर के बाद में मानसून के बादल पूरी तरीके से जा चुके होंगे और कई बादलों की भी आपको बादल भी दिखाई नहीं देंगे और कई स्थानों पर हल्के बादल बनेंगे कुछ एक देर के लिए, उसके बाद में वो गुप्त विलुप्त हो जाएंगे। वही बात करें उत्तरी राजस्थान की, तो उत्तरी राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर के साथ साथ अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन जिलों के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एक बार फिर से गर्म लहरें आप यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। वही जैसलमेर के साथ साथ फलोदी, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर के साथ साथ बालोतरा और जालौर सिरोही के आसपास के इलाकों के अंदर यहाँ पे भी मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसे शुष्क बना रहेगा और बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है। वही कोटा, बारा और झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और उसके बाद में 24 घंटों के लगभग अंतिम समय के अंदर पूरी तरीके से बादल जा चुके होंगे और गर्मी से एक बार फिर से लोगों को परेशानी हो सकती है। वही आपको बता दें, अगले 2 दिनों के बाद में, यानी कि 2 दिन तक एक बार फिर से मौसम शुष्क बना रहेगा। वही अगले 2 दिनों के बाद में, यानी कि 18 और 19 अप्रैल के आसपास एक बार फिर से घने बादलों की आवाजाही यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पूरी एक्टिव होने की संभावना है। उसके बाद में 19 और 20 अप्रैल के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इसका असर इस प्रकार से राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, 18 और 19 के आसपास हल्के बादलों की आवाज़ इस प्रकार बनेगी, उसके बाद में यही बादल इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो संपूर्ण राजस्थान को कवर कर लेंगे 22 अप्रैल के आसपास। तो एक बार फिर से 22 अप्रैल को आपको आंधी तूफान के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर आपको एक दो स्थान पर मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलेगी। वही अधिकतर स्थानों पर एक बार फिर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ में आंधी का सामना करना पड़ सकता है। वही आपको बता दें, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों के अंदर 19-20 अप्रैल के आसपास यहाँ पे आपको कई स्थानों पे ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे 19-20 अप्रैल के आसपास ओलावृष्टि हो सकती है। तो वही राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर भी इसका असर सर्वाधिक देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी 19 और 20 अप्रैल के आसपास ओलावृष्टि और आंधी तूफान जैसी और हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपसे एक विनती रहेगी, 19-20 अप्रैल से पहले आप जो भी आपने अभी तक थ्रेसिंग का काम नहीं करवाया तो वो करवा लें, क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 दिन रहे हैं, उसके बाद में एक बार फिर से बारिश का दौर राजस्थान के अंदर शुरू होगा। तो इससे पहले आपका जो भी काम बाकी है वो करवा लीजिए और खेत के अंदर जो भी अनाज आपने रखा है तो वो सुरक्षित स्थान पर आपको लेके जाना है, क्योंकि 19, 20 और 21, 22 इन 4 दिनों के अंदर राजस्थान के अधिकांश भागों के अंदर एक बार फिर से कई स्थानों पर आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन के साथ में बारिश का दौर फिर से शुरू होगा।
तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी जानकारी आपको हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। मैं अपने वीडियो का यही पे एंड करता हूँ, आपसे मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।